हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब? तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू ऑल वर सेफ। वेल, आज है संडे, आज है वीकेंड का टाइम। तो वीकेंड के टाइम में बहुत दिनों के बाद आफ्टर लॉकडाउन मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर। थोड़ा सा मुझे प्लांट की शॉपिंग करनी है, थोड़ा सा मैं नर्सरी जाऊँगी, थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आपको मैं अपने साथ सारी वो मैं जिस जिस नर्सरी प्लांट्स के भी आप सारी वैरायटी जहाँ जहाँ जाऊँगी दिखाऊँगी कि कौन कौन से प्लांट्स अभी के टाइम में अवेलेबल हैं। फिर मार्केट्स में अभी लॉकडाउन के बाद क्या ओपन हुआ है, क्या मार्केट्स की सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें आप मेरे ब्लॉग में आज देखोगे। तो वेल, मैं जा रही हूँ आज लक्ष्मी नगर मार्केट, और उधर ही ईस्ट दिल्ली का मैं नर्सरी भी जाऊंगी। आई होप फुल्ली कमलेश नर्सरी के आसपास जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बिल्कुल चीप एंड बेस्ट प्राइस में प्लांट्स मिलते हैं, और मुझे प्लांट्स स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो वेल, मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ रिफ्रेश, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के, और अब मैं निकलूँगी मार्केट की ओर। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगी भाई के घर, और उसके बाद मैंने बस एक सिंपल सा कॉटन का टी शर्ट डाल रखा है रेड कलर का, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं ना कॉटन के कपड़े बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगी अपने भाई के घर, उसके बाद वहाँ से उसके साथ फिर मैं जाऊँगी नर्सरी और फिर मार्केट। तो चलिए, मिलती हूँ आपको मार्केट में। सो गाइज, तो मैं यहाँ पे निकल चुकी हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से नर्सरी जा रही थी, तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ। वो अक्षरधाम के पास कमलेश नर्सरी पड़ती है ना, मैं वहाँ के लिए निकल रही हूँ, और उसके आगे बहुत सारी छोटी छोटी नर्सरी है, तो मैं वहाँ भी विजिट करूँगी। तो फाइनली मैं पहुँच गई कमलेश नर्सरी का। ये देख सकते हो आप, ये रूट है अक्षरधाम मंदिर के पास पड़ता है। मैं बाइक से आई थी, उसके बाद मैं सबसे पहले मैं आगे छोटी छोटी नर्सरी जो रहती है, मैं वहाँ से पहले प्लांट्स लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अच्छे रेट्स में और आपको कम सस्ते प्राइस में मिलते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले उसको एक्सप्लोर करना चाह रही थी, तो इसलिए मैं कमलेश नर्सरी से आगे की ओर बढ़ रही थी। तो ये देखो, मैं आपको रास्ते में ना मैं दोनों साइड आपको पूरा व्यू दिखाते जा रही हूँ। बट इतनी गर्मी है ना, और लॉकडाउन के बाद अभी मार्केट में कुछ ऐसे स्पेशल नए प्लांट्स नहीं अवेलेबल हैं। और ये थी रामराज नर्सरी की फ़ोटो, उसके बाद की ये जो सारी नर्सरियाँ हैं ना, इनके पास अभी प्लांट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कुछ भी, बहुत बिल्कुल भी। अभी इतनी गर्मी के कारण मैंने पूछा, तो ये बोले अभी इतनी गर्मी के कारण ना प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इन्होंने अभी अपना माल नहीं मंगवाया है। तो बस इस तरह से कुछ बिल्कुल खाली खाली सा है, इनके पास अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो फाइनली मैं कमलेश नर्सरी में आ गई। कमलेश नर्सरी के आने के बाद ना, इन्होंने कुछ इस तरह से रेट, आप वाइट कलर का ये जो देख रहे हो ना, इन्होंने रेट लगा रखे हैं प्लांट्स के फ्रंट में ही, तो जिसमें 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 200 रुपीज़, इस तरह से जिस तरह से प्लांट है उस तरह से रेट लगे। तो ये करी पत्ता का प्लांट है जो 20 रुपीज़ का, इन्होंने रेट ऑलरेडी लगा रखा है, क्योंकि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये था आई थिंक बोगनविलिया है, और ये 200 का था जो कि पॉट में था ब्लैक कलर के। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, ये जैस्मिन का था जो 80 रुपीज़ का था, रेड सॉइल में था ये, और इनके पास थे स्टॉक में कुछ अवेलेबल थे, मतलब ऑलरेडी इनकी नर्सरी जो है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी उन्होंने अपनी एक्सप्लोर कर ली है। और फिर इस तरह से यहाँ पे बाकी सारे भी प्लांट्स लगे थे, ये देसी रोज था जो 20 रुपीज़ का था, फिर ये इस तरह से भी बाकी सारे प्लांट्स थे जो मैं आपके साथ एक्सप्लोर कर रही हूँ। और इन्होंने इस तरह से रेट वाइज भी लगा चुके, ऑलमोस्ट इन्होंने फ्रंट के जो थे ना उसमें सारे प्लांट्स के इन्होंने रेट लगा रखे थे। और फिर इनके पास काफ़ी वैरायटी में जो है इंडोर प्लांट्स भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे क्वालिटी में भी है, मतलब बहुत अच्छे कंडीशन में। और फिर इनके पास पॉट्स भी अवेलेबल हैं, सकुलेंट्स भी काफ़ी वैरायटी के अवेलेबल हैं। ये देखो, ये गंधराज का प्लांट्स है जो मैं इनकी रेट्स पूछ रही थी और कि क्या प्राइस के हैं। उसके बाद मैं वहाँ से निकल के फिर मैं चली आई लक्ष्मी नगर मार्केट। तो फाइनली मैं अभी लक्ष्मी नगर मार्केट पहुँच चुकी हूँ। तो ये है लक्ष्मी नगर का स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से मैं ये आपको सामने की ओर इसकी जो है रोड है। अब मैं लक्ष्मी नगर मार्केट में इंटर करी हूँ, और सच बताऊँ लक्ष्मी नगर मार्केट में इंटर करने के बाद
इतनी वीरान सी, वीकेंड के दिन इतनी वीरान सी मार्केट पड़ी हुई थी ना, बिल्कुल जो भी स्ट्रीट साइड की शॉपिंग जो होती है ना, उन्होंने सारी खाली करवा दी। मैं पूरा मार्केट घूम डाली, पर मुझे कुछ भी, मतलब जिस तरह से देख रही, बिल्कुल वीरान सी लग रही थी। बहुत ज़्यादा, ना ज़्यादा भीड़ थी ना क्राउड थी, वीकेंड के दिन भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये पूरे जो है रोड को उन्होंने पूरे बिल्कुल मतलब कि बड़े कर दिए हैं, और बिल्कुल भी वो रोड पे नहीं लगाने दे रहे थे, तो कुछ भी नहीं लगा था इस तरह से रोड पे स्ट्रीट शॉपिंग। तो फिर फाइनली मैं थोड़ी बहुत घूम के उसके बाद मैं वापस घर चली आई। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा बाहर में गर्मी है ना कि मैं बता नहीं सकती। और मतलब आफ्टर लॉकडाउन जो है लक्ष्मी नगर मार्केट की हालत बहुत बुरी है। जिस तरह से मैंने पहले भी कुछ वीडियो में लक्ष्मी नगर मार्केट का कुछ वीडियो शेयर किए हैं, उस समय की जो रौनक थी मार्केट में वो अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वीरान सी पर हो चुकी है मार्केट। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से लूँ। बस जो सिर्फ शॉप शॉप है ना, बस शॉप शॉप के अंदर ही जा कर के आपको लेना पड़ेगा। स्ट्रीट शॉपिंग टाइप की ऐसी कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं। बस मैं आप एक कुर्ती और एक स्टोल ले करके आई हूँ, और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। फिर मैंने दो प्लांट्स लिए और फिर मैं वापस घर चली आई। मुझे बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि सबसे बेस्ट ना अपने घर को छोड़ के और कहीं भी नहीं लगता। बस मुझे घर भागने की जल्दी मच रही थी कि बस घर चलो, क्योंकि मार्केट में कुछ वैसा देखने लायक घूमने लायक था ही नहीं कि जो मैं रुकूं और उसको एक्सप्लोर करूं। मैंने मतलब आप खुद ही देख लोगे कि कुछ इस तरह से मार्केट में कुछ है ही नहीं जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। तो बस मैंने दो प्लांट्स, एक कुर्ती, एक स्टोल लिया। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन से कुर्ती और कौन से स्टोल लिए। तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या लिया। तो जो मैंने लिया है वो लिया है एक ये कुर्ती, जो मुझे अच्छी लगी कुर्ती ये वाली। तो मैं लेने तो गई थी कम से कम 3-4 कुर्तियाँ, पर मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया तो बस मैंने एक कुर्ती ही उठा लिया। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह की ये कुर्ती है, ऐसे ये गले में बस सिंपल है, प्रिंटेड है, और ये अनारकली कुर्ती है। ये कुछ इस तरह से इसका लुक है। और इसके जो बाजू है ना, इसके बाजू की जो फ्रिल है ना, वो मुझे बाजू की डिजाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो इसीलिए बस मैंने ये कुर्ती ले ली। ये देख सकते हो आप, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगी मुझे। और ये कुछ इस तरह की कुर्ती है। और जो अगर आपको ये लूज फिटिंग वगैरह हो रही है तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से आपको, आपको अगर लूज हो रही है तो, और फिटिंग अगर आपको करनी है तो आपको इसको अल्टर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से इस तरह से इसको बांध सकते हो और ये आपको ना पूरी फिट आ जाएगी। बस एक ये मैंने कुर्ती ली, और ये एक मैंने लिया एक स्टोल, कुछ इस तरह के स्टोल लिए, क्योंकि बस ये दोनों ही मैंने लिए। और मैंने लिए दो प्लांट्स जो कि उधर मैंने बालकनी एरिया में थोड़े से रख दिए साइड में, बोलिए। उसके बाद मैं वापस आ गई, मैं ज़्यादा देर तक मार्केट में नहीं रह सकी। तो बस यही थी मेरी कुछ आज की शॉपिंग। तो बस गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज गाइज, वीडियो को प्लीज कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और लाती रहूंगी मैं आपके लिए एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय।